हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकी बिरेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक के बारे में, और वो है क्विक सॉर्ट। दोस्तों, क्विक सॉर्ट को एक कम्प्लेक्स सॉर्टिंग एल्गोरिदम के नाम से भी जाना जाता है, और इसलिए क्योंकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशंस है और इसका जो डिवाइड एंड कॉन्कर जो रूल है, इसको इम्प्लीमेंट करने में इस जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और अगर ये सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ देन इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन स्क्वायर चला जाता है, इसीलिए इसे कम्प्लेक्स सॉर्टिंग एल्गोरिदम बोलते और हैं। ताकि तो कई पॉइंट्स हमने नोट डाउन किए हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। हर पॉइंट्स को हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, क्विक सॉर्ट इज़ अ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम। चलिए समझते हैं इसको और अलग कंटेक्स्ट में समझते हैं। जब अंग्रेज़ इंडिया पर शासन करने के लिए आया, उन लोगों का माइंड में क्या क्या बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन उनका जो मेन मूल्य रूप का और कह सकते मूल्य सिद्धांत क्या था, डिवाइड एंड रूल, मतलब आपस में फूट भरो, उसको अलग करो, ठीक है, और राज करना शुरू करो। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट यूज होता है। और कहिएगा कैसे, तो चलिए समझते हैं ये क्या कर रहा है। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम, ये एक एरे रहता है, ठीक है, जो अनसॉर्टेड फॉर्म में है, इसको ये डिवाइड कर देगा। कब तक? जब तक ये सिंगल एलिमेंट्स फॉर्म में ना आ जाए, ठीक है। ये चीज़ को हम मर्ज सॉर्ट में भी हम बात किए थे, ठीक है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा। ये क्या करेगा, डिवाइड कर देगा टू इक्वल पार्ट्स में। जो लेफ्ट सबअरेज है, जो राइट सबअरेज है, उसको फिर इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फिर इस तरह करते करते ये सिंगल फॉर्म में आ जाए, उसके बाद कंपेरिजन्स करना शुरू करेगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम कंज्यूमिंग है वो बहुत लेस होगा एज़ कम्पेयर टू जो दूसरा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है उसके कंपेरिजन्स में, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। द सेकेंड पॉइंट इज रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो रिकर्सिव इसलिए क्योंकि जब हम एरे को स्प्लिट करते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो क्या रहता है, एक सबअरेज लेफ्ट के तरफ, एक राइट सबअरेज। तो जब दोनों को हम फिर प्रोसेस करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, हमें दो फंक्शंस की अलग अलग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमें वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम रिकर्सिवली सेम फंक्शंस को हम कॉल करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट इनपुट्स, ठीक है ना। जब हम जीरो से मिड पॉइंट जो हमारा रहेगा, जो कि फर्स्ट लेफ्ट सब एरेज के लिए रहेगा, वो एक पार्ट हो जाएगा, और मिड पॉइंट के बाद का जो रहेगा वहाँ से एंड तक का, ठीक है, तो वो हम इनपुट्स इस तरह से भेजेंगे, ठीक है। तो रिकर्सिवली सेम फंक्शंस को ये कॉल करेगा। तो समझते हैं थर्ड पॉइंट, इट वर्क्स बाय सिलेक्टिंग ए पिवोट एलिमेंट एंड पार्टिशनिंग द एरे इन टू सब एरेज। ये क्या कह रहा है कि हम एक पिवोट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो हमारे एरेज रहेगा अनसॉर्टेड, उसको हम दो इक्वल भाग में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पिवोट एलिमेंट आप कहिए क्या है, तो पिवोट एलिमेंट के बारे में हम ज़्यादा विस्तार से समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लिए कि जो पिवोट एलिमेंट होता है, एक ऐसा एलिमेंट जिसके राइट साइड में जितने एलिमेंट्स रहेंगे उससे बड़े रहेंगे, और जिसके लेफ्ट साइड में जितने सारे एलिमेंट्स रहेंगे वो सारे छोटे रहेंगे, ठीक है। तो ये एक मिडिल पॉइंट है बेसिकली। तो पिवट क्या हो गया, एक मिडिल पॉइंट्स, ठीक है। वन कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स स्मॉलर दैन द पिवट एंड अदर कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू द पिवट। अब क्या कर रहा है कि हम दो सब एरेज में इसको स्प्लिट कर दिए। एक ऐसा रहेगा, एक लेफ्ट सब एरेज जिसमें सारे एलिमेंट्स पिवोट से छोटे रहेंगे, और राइट साइड जो सब एरेज है वो पिवोट एलिमेंट से सारे बड़े रहेंगे। आफ्टर दिस द पिवोट विल बी इन इट्स करेक्टेड सॉर्टेड पोजिशंस। इसका मतलब है, ये प्रोसेस के बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पिवोट एलिमेंट है वो अपने करेक्ट पोजिशंस पे हैं, है ना। अगर आप कंसिडर करो आप खुद को, आपका जो हाइट है, ठीक है, आप एक पोजीशंस पर खड़े हो, आपके जितने सारे आपसे छोटे हाइट के हैं वो आपके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में खड़े हैं, और जो बड़े हैं वो राइट साइड में खड़े हैं। तो आपका क्या, आपका पोजीशंस क्या फिक्स्ड हो गया, करेक्ट पोजीशंस है, क्योंकि ना आपको राइट की तरफ जाने की ज़रूरत है या स्वैप करने की ज़रूरत है, ना लेफ्ट में जाने की ज़रूरत, क्योंकि आपके लेफ्ट में जितने जो लोग हैं वो आपसे छोटे हैं हाइट में, और जो राइट साइड में वो बड़े हैं। तो आपका क्या है, करेक्ट पोजीशंस हैं, लेकिन करेक्ट पोजीशंस फाइंड करने का तरीका वो मेन चीज़ है, ठीक है। इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, द पिवट इज देन प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ द एरे। तो जैसा कि मैंने बताया ये एक मिडिल एलिमेंट्स होता है, मिडिल पॉइंट जिसे हम पिवट बोलते हैं, ठीक है। द सेम प्रोसेस इज देन रिपीटेड ऑन टू सबएरेज। अब हम फर्स्ट पार्ट में क्या किए थे, एक सिंगल एरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे, और जो सब एरेज है लेफ्ट साइड के लिए, ठीक है, उसे भी हमें फर्दर सेम प्रोसेस के तहत एंटायर प्रोसेस को चलाएंगे, ठीक है। और राइट में जो है उसे भी हम सेम प्रोसेस के तहत एंटायर हमारा फंक्शंस चलेगा, ठीक है। इसके बारे में हम समझेंगे, पहले हम इस एंटायर जो पॉइंट से पॉइंट टू पॉइंट हम इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। क्विक सॉर्ट इज़ वेरी एफिशियंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम विथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ एन लॉग एन। ये कह रहा है कि क्विक सॉर्ट इज़ वेरी एफिशियंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर एल्गोरिदम जो हमारे पास है, ठीक है। और ये किस तरह किस लिए एफिशियंट है इसके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। विद अ टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ एन लॉग एन, तो इसका बेस टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। दिस मीन्स दैट द टाइम इट टेक्स टू सॉर्ट एन एरे ऑफ एन एलिमेंट्स इज प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ एन। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो टाइम लेता है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, लॉगरिथम ऑफ एन एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो हम इस चीज़ को समझते हैं नेक्स्ट स्टेप्स में। क्विक सॉर्ट इज ऑल्सो एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम विच मीन्स इट डजंट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा मेमोरी टू सॉर्ट द एरे। ये क्या कह रहा है कि क्विक सॉर्ट इज इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, मतलब ये एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज नहीं करता है। जैसा कि हमने मर्ज सॉर्ट में देखा था, मर्ज में क्या कर रहा है कि स्प्लिट करता है वहाँ पे भी, ठीक है ना। और जब कब तक स्प्लिट करता है, जब तक सिंगल फॉर्म में नहीं आया था, बट जब इसको कंपेरिजन के बाद ये क्या करता था, एक टेम्पोररी एरे क्रिएट करता था, उसमें स्टोर करता था दोनों जो एलिमेंट्स उसको कंपेरिजन के बाद, फिर उसको कॉपी करता था ओरिजिनल एरे के अंदर। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम जो हमारा एरे है उसी के अंदर में सारे चेंजेस होंगे। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो ये हमारा एरे है जो कि अनसॉर्टेड फॉर्म में है, ठीक है, और ये स्टार्ट पोजिशंस हो गया एरे का, और ये एंड पोजिशंस हो गया, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले बात किया था कि इट वर्क्स बाय सेलेक्टिंग ए पिवट एलिमेंट, ठीक है। तो पिवट एलिमेंट वो होता है जिसके राइट साइड में सारे बड़े एलिमेंट्स रहेंगे और जिसके लेफ्ट साइड में उससे सारे छोटे एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सा एलिमेंट्स है जिसे करेक्ट पोजिशंस में रहने चाहिए, ठीक है। तो उसे हमें, तो उसी के लिए हम फर्स्ट एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे एज ए पिवट एलिमेंट। तो मैं जो फर्स्ट हमारा स्टार्टिंग पोजिशंस है उसको हम क्या कहेंगे कि पिवट। तो हमारा पिवट क्या हो गया, पिवट इक्वल टू एरे ऑफ स्टार्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक एरे है अनसॉर्टेड जिसे हम डिनोट कर रहे हैं AR के नाम से, ठीक है। ये हमारा एरे हो गया जो कि अनसॉर्टेड फॉर्म में है। और तो हम पिवट एलिमेंट्स को, कौन सा एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स को जो स्टार्ट पोजिशंस पे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम पिवट इसको समझ लिए, मान लिए कि हमारा ये पिवट है, लेकिन हमें इससे इसके करेक्ट पोजिशन में पहुँचाना तो है। तो चलिए समझते हैं पिवट एलिमेंट को जिसे हम फर्स्ट एलिमेंट्स को कंसिडर किए हमारे इस एग्जांपल्स में, ठीक है। तो 9 जो कि फर्स्ट एलिमेंट है इस एरे का, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं पिवट एलिमेंट, लेकिन ये अपने करेक्ट पोजीशंस पे नहीं है, ठीक है। तो इसे हमें करेक्ट पोजीशन पे प्लेस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फर्दर जो हमारा प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस जो फंक्शंस, इसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है, किस तरह ये करेक्ट पोजीशंस पर जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक हमारा पॉइंटर लेंगे, ठीक है, जो कि हमारा पिवट एलिमेंट के बाद वाले एलिमेंट्स को डिनोट करेगा, ठीक है। तो हम एक पॉइंटर लेंगे आई, ठीक है। तो ये बेसिकली हम पॉइंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हम नाम देंगे आई से, ये हमारा क्या होगा, पॉइंटर जो ट्रेस करेगा। और एक पॉइंटर होगा जो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जिसे हम जे के नाम से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आया समझ में,
तो क्या कर रहे हैं कि ये हमारा, इसको हम कंसिडर किए हैं कि पिवोट एलिमेंट है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अब इसे हमें पता नहीं है कि इसका करेक्ट पोजिशंस कहाँ हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप समझ लो कि आप एक स्कूल में गए हो, वहाँ पे क्या होता है कि असेंबली लगी हो, तो टीचर्स क्या बोलते हैं कि जो जो अपने लंबाई के हिसाब से अपना एक क्रम बना ले, ठीक है, एक लाइन क्रिएट कर लो, ठीक है, ये लाइन में खड़े हो जाओ, ठीक है। तो क्या होता है कि लोग एक दूसरे में स्वाइप करना शुरू करते हैं, वो देखते हैं कि कंपेयर करते हैं, अच्छा तुम मेरे से बड़े हो, तुम इधर आ जाओ, तुम मेरे आगे आ जाओ, तुम मेरे से छोटे हो, तुम मेरे पीछे आ जाओ, ठीक है। वो इक्वल क्या करता है, कंपेरिजन करके लोग और स्टूडेंट सारे अपने अपने हिसाब से लाइन में लग जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कंपेरिजन्स, ठीक है। तो कंपेरिजन करने के बाद क्या हुआ, सारे अपने अपने करेक्ट पोजिशंस पर चला गया, ठीक है। तो उसी तरह सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। ये क्या है, अनसॉर्टेड है, मतलब कोई बड़ा है इधर है, कोई बड़ा इधर है, छोटा जो बंदा है बड़ा के बाद है, फिर जो सबसे छोटा है ये बीच में है, तो ये एक अनसॉर्टेड वे में है, ठीक है। तो इसे भी हमें करेक्ट पोजिशन में लाना होगा, ठीक है, जैसा कि स्कूल का एग्जाम्पल हमने दिया है, ठीक उसी तरह, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंपेरिजन्स करना पड़ेंगे, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, किसके कंपेरिजन में, पिवोट एलिमेंट को। इसको हम एक मिडिल पॉइंट में समझे हैं, जिससे इसको कंपेरिजन में, इसको सामने में रख के हम सारे एलिमेंट्स को कंपेरिजन करेंगे कि इससे जो छोटा है उसके लेफ्ट में चले जाए, इससे जो बड़ा है राइट में चले जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये आई है, ये बड़ा एलिमेंट्स को ढूंढेगा, ये कोशिश करेगा कि जो पिवोट एलिमेंट है उससे जितने बड़े एलिमेंट्स है उसको ट्रेस करने का। जब इसको बड़ा एलिमेंट्स मिल जाएगा तो वहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा कि जो छोटा एलिमेंट से पिवोट से, ठीक है, उसको ट्रेस करेगा, जब भी इसे छोटा एलिमेंट्स मिल जाएगा, ठीक है, वो वहाँ रुकेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, जब I को इसका बड़ा एलिमेंट्स मिल गया, ठीक है, वो वहाँ रुक गया, ठीक है, और J को छोटा एलिमेंट्स जो मिल गया, तो ये पहले I और J एक दूसरे में स्वैप कर लेगा, ठीक है। तो चलिए है, तो चलिए समझते हैं। जैसा I, तो यहाँ पर ये क्या, हम जैसा कि हम बोले कि बड़े एलिमेंट्स को ट्रेस करेगा किसके कंपेरिजन में, पिवोट एलिमेंट्स के कंपेरिजन में। तो 6 9 से बड़ा है, नहीं है, ठीक है, तो ये मूव कर जाएगा, किधर, इधर मूव करेगा, तो ये कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इसको कंपेयर कर रहा है फिर से पिवोट का, तो पिवोट क्या है हमारा, 9 है। अब ये कंपेयर कर, 2 तो छोटा है, ठीक है, तो ये बड़ा नहीं है, ठीक है, पिवोट से। तो आई फर्दर मूव कर जाएगा, इंक्रीमेंट हो रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट्स को चेक कर रहा है, फिर देख रहा है 0 -15, तो वो भी छोटा है, बड़ा नहीं है, ठीक है। तो हम इधर से पहले हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेसिंग करने का, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट करेगा इस पोजिशंस पे। अब इस पोजिशंस का जो एलिमेंट है, देखेगा 0, जो कि बड़ा है पिवोट एलिमेंट से, नहीं है, ठीक है। तो ये फर्दर इस एलिमेंट्स के पास जाएगा, ठीक है, और ये देखेगा कि 12 बड़ा है 9 से या नहीं है, हाँ है, ठीक है। अब ये पोजीशन पे रुक जाएगा, ठीक है ना। जब ये पोजीशंस पे रुका, उसके बाद जो हमारा जो जे है, जो ये ट्रेस करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये पहले यहाँ से शुरू करेगा अपने पोजीशंस पे, इसका काम खत्म हो गया, इसको पता लग गया कि जिस पोजीशंस पे हम खड़े हैं, ये जहाँ पर खड़ा है उसका एलिमेंट्स जो है पिवोट एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है। अब ये जे को ट्रेस, जे क्या करेगा, इधर से राइट टू लेफ्ट ये कोशिश करेगा कि जो पिवोट से सबसे छोटा एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करने का। अब आई ने फाइंड आउट कर लिया एक पोजीशंस को जो पिवोट से बड़ा एलिमेंट है, और जे को फाइंड करने पड़ेगा ऐसा एलिमेंट्स जो कि पिवोट से स्मॉल है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट पोजीशंस पे ही क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जो पिवोट से स्मॉल है। अब क्या करेगा कि ये दोनों आपस में कंपेरिज, ये करेगा स्वैप करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेगा, ये 12 यहाँ हो जाएगा और जे के जगह पर क्या हो जाएगा, आई के जगह पर 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब क्या कर रहा है कि 1 यहाँ चला आया जे आई की जगह पे, और जे के जगह पर क्या चला गया, ये 12, ठीक है। अब ये क्या हो गया, दोनों स्वैप हो गया। स्वैप होने के बाद क्या कर रहा है कि अब ये कब तक ये कंपेरिजन करेगा, जब तक आई जे से लेस देन नहीं है, ठीक है, और
जब भी ये जे क्रॉस कर जाएगा आई को, तब हम समझें कि हमारा जो एक्चुअल इसका करेक्ट पोजीशन से पिवोट का वो मिल गया है, ठीक है। लेकिन अभी आई क्या है, स्मॉल है जे से, तो जे अभी फिर से ये आई क्या करेगा, ट्रेस करना शुरू करेगा और ये पता लगाएगा कि पिवोट से बड़ा एलिमेंट्स कौन सा है। अभी क्या है, वन है इसके पोजिशन पे जहाँ पे ये खड़ा है, तो क्योंकि 12 जो था वो स्वैप होकर चला गया है जे के पोजिशन पे, और जे का जो पोजिशन था, वैल्यू था, वो आई के पोजिशन पे आ गया है। अब ये कंपेरिजन कर रहा है इसके साथ, पिवोट एलिमेंट्स के साथ, तो क्या है, वन छोटा है, बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मूव कर जाएगा इधर, जे पर आ आई इधर आ गया, ठीक है। अब ये इसका जे का क्या काम है, ये ट्रेस करना है कि सबसे स्मॉल एलिमेंट्स किससे, इसे पिवोट से, जो पिवोट से जो स्मॉल एलिमेंट्स है उसको ट्रेस करना। 12 है, 12 क्या छोटा है, नहीं है, ठीक है। तो जे क्या करेगा, ये मूव करेगा, क्योंकि इसको तो स्मॉल एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो जे यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो इसको हम डिलीट करते हैं इसको, तो जे यहाँ आ गया, ठीक है। अब देख रहे हो, तो जे भी पॉइंट कर रहा है इसी एलिमेंट पर और आई भी पॉइंट्स कर रहा है। तो पहले आई का कंडीशंस फेल हो चुका है, मतलब इसे, तो अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि आई भी सेम पोजीशन पर पॉइंट कर रहा है, जे भी सेम पोजीशन पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो जे क्या करेगा कि कंपेयर करेगा कि छोटा एलिमेंट्स पिवोट से हैं, नहीं है, तो अब क्या करेगा, जे मूव हो जाएगा नेक्स्ट पोजीशंस के लिए, ठीक है, क्योंकि इसे नेक्स्ट पोजीशन चेक करने हैं, ठीक है। अब जब ये इधर मूव कर गया, ये आई सॉरी यहीं रहेगा, ये जे को हम इधर लाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो आई क्रॉसिंग जे, तो हमें यहाँ पर कंडीशंस को ब्रेक करना है। हमें पता था कि जब भी आई जे को क्रॉस कर जाएगा, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, पोजिशंस है पिवोट का, हमें फाइंड आउट हो चुका है। तो क्या करेंगे, अब इसको जे के पोजीशन से पिवोट को हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि जो जे का जो पोजीशन से जब आई को क्रॉस करने के बाद, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आई को क्रॉस कर दिया जे, तो जे का जो पोजीशन से वैल्यू है, ये इसका करेक्ट पोजीशन से है, किसका, पिवोट का। तो इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैपिंग करना पड़ेगा। लेकिन जब तक क्रॉस नहीं था, तब तक हम क्या कर रहे थे, कंपेरिजन कर ही रहे थे, ठीक है। एक बार जे आई को क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि हमें इसका पिवोट का ओरिजिनल और इसका जो ओरिजिनल प्लेस है वो मिल चुका है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम स्वैप करेंगे ये पहले पोजीशंस पे जो एलिमेंट्स है उसको हम इधर करेंगे और पिवोट का इधर हम रिप्लेस करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, 9 हो गया। अब समझिए, अब हमारा जो एरे है बेसिकली 2 पार्ट्स में हम कह सकते हैं कि डिवाइड हो गया। एक पार्ट ऐसा है जो पिवोट के लेफ्ट में है और एक पार्ट ऐसा जो पिवोट के राइट साइड में। तो पिवोट के राइट साइड में ऐसे एलिमेंट्स है जो कि पिवोट से सब बड़े हैं, यानी इस एलिमेंट्स में यहाँ पर क्या है, 9 है। आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट प्रोसेस के बाद, तो हमारा 9 के बाद जितने सारे एलिमेंट्स है सब 9 से बड़े हैं, और इधर आप देखोगे तो 9 से जितने सारे एलिमेंट्स है सारे छोटे हैं, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब यही था, जो फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि देखिए, इट वर्क्स बाय सिलेक्टिंग ए पिवोट एलिमेंट पार्टिशनिंग द एरे वंस कंटेनिंग वन कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स स्मॉलर देन द पिवोट एंड अदर कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू द पिवोट, ठीक है। आफ्टर दिस द पिवोट विल बी इन इट्स करेक्ट सॉर्टेड पोजिशन, मतलब 9 है ये सॉर्टेड पोजिशन में। तो स्टार्टिंग पोजिशन क्या था इसका, इनिशियल यहाँ पे था 9 का, ठीक है ना। अभी क्या पोजिशन चेंज हो गया, अब चेंज होने के बाद आप इस स्टेटमेंट के बाद देखोगे कि एक जो इसका लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट्स है सारे स्मॉलर है, और राइट साइड में जितने हैं सारे ग्रेटर हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हम जो बोल रहे हैं, लेकिन फर्दर हम यहाँ पर हमारा क्या हुआ, अभी एरे सॉर्टेड नहीं हुआ, ठीक है। और जो राइट साइड में वो बड़ा है, बट ये अभी सॉर्टेड पोजिशंस में नहीं है, क्योंकि 14 है यहाँ पे, 14 इधर आना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हमारा स्टार्ट होगा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, यहाँ से शुरू होकर यहाँ एक पार्ट में, और दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू होकर यहाँ दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट पार्ट को।